स्टेशन रोड स्थित दुर्गा भवन मंदिर में विगत 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा को अष्टम दिवस पूर्ण विश्राम दिया गया। अब खाली हाथ नहीं आए, कसूर हुआ है उसे माफ करो। खाली है तो चावलिए, खाली है तो चावलिए हो। इस अवसर पर फर्रुखाबाद से पधारे कथा मर्मज्ञ श्रद्धेय शिव कुमार शास्त्री जी महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के प्रसंग सुनाने के पश्चात श्री दुर्गा भवन मंदिर से जुड़े समस्त पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा को पूर्ण रूप से संपन्न कराने में अपना सहयोग देने वाले समस्त धर्म प्रेमियों को श्री दुर्गा भवन मंदिर के पदाधिकारियों के साथ साथ व्यासपीठ से कथा व्यास जी द्वारा शॉल उड़ाकर और पटका पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया। इतना ही नहीं बल्कि सभी ने श्री प्रभु के साथ साथ श्री भागवत जी की आरती कर वातावरण को और भी भक्तिमय बनाते हुए श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को पूर्ण विश्राम देते हुए सभी को श्रद्धा पूर्वक प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए केदारनाथ अनेजा ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। यहाँ पे कथा चल रही थी 7 दिन की, और मंगलवार से स्टार्ट हुई थी, सोमवार को समाप्त हुई थी। मंगलवार को आज के दिन हवन था और पूरी प्रसाद का भंडारा। कौन से संत प्रवर आए थे कथा यज्ञ में? इनके आए थे श्री शास्त्री जी थे, शिव कुमार शास्त्री जी आए थे जी। तो आज समाप्ति शाम प्राप्त हो गई, आज लंगर प्रसाद लेने के बाद सारे प्रोग्राम समाप्त। क्या शुभ संदेश दिया गया है कथा के माध्यम से? संदेश यही है कि आपस में भाईचारा बना के रखें, धर्म के नाम पे अपना धर्म पक्का रखें। जैसे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, वो अपना एक मात्र बना के रखें, जिसको भी माने एक के ऊपर निर्भर टिके रहें। जैसे अभी कोरोना गया नहीं है, लोग जो है उसको एहतियात में रहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सबको? जितनी दूरी बना के रखें, मास्क पहन के रखें, उतना ही अच्छा है। क्योंकि उम्मीद डर ये लग रहा है आने वाले कुछ टाइम में 2-3 महीने के अंदर दोबारा कोरोना आने की संभावना पक्की है। क्योंकि हिसाब से देखते हुए आगे जाके मंदिर जो बड़े मंदिर हैं वो भी बंद होने का चांस पक्के हो गए। साथ ही बताते चले कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुभाष भाई खैराती, लाल मनोज नारायण, संजय गुलाटी, तिलक राज का त्याग, सुरजीत रावल, केदारनाथ खैराती आदि द्वारा अपना पूर्ण सहयोग दिया गया।